जितनी जल्दी इस बात को आप समझ जाओगे उतना जल्दी आप इस फील्ड में बहुत तेजी से आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज आप हमेशा भटके रह जाओगे। हेलो एवरीवन, आज के इस लेसन में मैं बात करने वाला हूँ प्रोसेस के बारे में, एक कंप्लीट प्रोसेस। आप लोग पूछते रहते हो ना मुझसे कि क्या प्रोसेस होता है, क्या सही तरीका होता है। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में आई लिखना अगर आप कंफ्यूज रहते हो कि पहले क्या सीखना चाहिए, पहले ऑयल कलर सीखें क्या, पहले फिगरेटिव बनाना सीखें क्या। अलग अलग मीडियम में कंफ्यूजन होता है, अलग अलग सब्जेक्ट मैटर में कंफ्यूज होता है कि पोर्ट्रेट आता है कि ये आता है कि वो आता है कि पहले वाटर कलर आता है कि पहले आता है। इस तरीके के बहुत सारे सवाल आते हैं कंटिन्यूसली, और मैंने आपको बहुत बहुत तरीके से समझाया भी है मेरे पुराने वीडियोस अगर आप कनेक्टेड हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लिखना कमेंट सेक्शन में अभी, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप इस कंफ्यूजन से जूझ रहे हो क्या, सो दैट मुझे पता चले कि सही लोगों तक ये मेरे लेसन पहुंच रहे हैं और आपको क्लैरिटी मिल रही है। तो प्लीज राइट आई इन द कमेंट्स अगर आप ऐसे कंफ्यूजन आपको मन में आते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैं बहुत सारे लेसन जब भी मैं बनाता हूं मैं बहुत तरीके से बोलता हूं कि ड्रॉइंग पे फोकस करो, फंडामेंटल पे फोकस करो, प्रिंसिपल पे फोकस करो। पागलों की तरह ये वाले टॉपिक को मैं बोलता रहता हूं और कई टाइम से मैं बोल रहा हूं और तब तक बोलता रहूंगा जब तक हर एक आर्ट लवर तक मेरी बात ना पहुंच जाए और हर एक आर्ट लवर सही दिशा में सही तरीके से ग्रो करने ना लग जाए, तो मैं ये चीज बोलता रहूंगा। लेकिन आज के इस लेसन में मैं वो चीज आपको एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप तरीके से क्लीनली क्लियरली बताऊंगा ताकि आपके मन में ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए कि पहले क्या सीखना होता है, पहले क्या करना होता है। मैं जो बोलता हूं कि फंडामेंटल पे काम करो, मैं जो बोलता हूं प्रिंसिपल पे काम करो, उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, उसको करते कैसे, उसको मतलब मैं बोल रहा हूं लेकिन आप तक अगर वो बात नहीं पहुंच रही तो ऑब्वियसली आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो आज के इस लेसन में उस चीज को अच्छे से समझेंगे और बहुत सारी चीजों को आपको समझना ही नहीं है, इस लेसन में देखना ही नहीं है, उसको नोट डाउन भी करना है। मैं नोट्स लिख के भी बताऊंगा, लिख के भी करूंगा साथ साथ, जैसे हम स्कूल में टीचर्स लिख लिख के बताते ब्लैक बोर्ड में ना, मजा आता था। मैं आपको लिख के भी बताऊंगा इस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट, और इस चीज को आप इंप्लीमेंट करना और देखना कि आपको कितना ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा और आप देखना कि आपको कितनी ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। और बहुत सारी चीजें मैं शेयर करने वाला हूं इस लेसन के अंदर। इससे पहले कि मैं लेसन शुरू करूं एक छोटा सा और यहां पे चीज मैं शेयर करना चाहता हूं कि इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन जो कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट आर्ट कंपटीशन होने वाला है रियांश राहुल आर्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो मार्च के एंड में शुरू हो जाएगा। और उससे पहले, ठीक है, मार्च की शुरुआत में और ये फरवरी के एंड आते आते बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है इस कंपटीशन को लेके, बहुत सारे जो इनसाइट्स हैं वो चीजें शेयर की जाएंगी मेरे बाकी सोशल मीडिया पे। यूट्यूब पे तो शेयर किया ही जाएगा, बाकी सोशल मीडिया पे भी शेयर किया जाएगा, तो प्लीज स्टे कनेक्टेड। एंड मैंने एक फेसबुक पे ग्रुप बनाया है इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन के नाम से, सो स्टे कनेक्टेड विद दैट ग्रुप ऑल्सो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर डाल दूंगा, सो दैट वहां पे भी आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। एंड हाल ही में मैंने वहां पे एक लाइव सेशन भी किया था विजन बिहाइंड इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन के ऊपर, तो वो भी आप जाके जरूर देख सकते हो। तो स्टे कनेक्टेड, यही मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे, सो दैट आप मिस ना करो ये सारी अपॉर्चुनिटीज जो आ रही हैं। एंड इस लेसन को ध्यान से देखना, नोट्स बनाना, समझना, इंप्लीमेंट करना एंड देखना कि आप कितने क्लियर ढंग से आने वाले टाइम में आपका कितना जल्दी ग्रोथ होता है और किस वे में आप आगे बढ़ पाते हो। ओके, तो शुरू करते हैं आज का ये लेसन। ये आपका पेपर है, कैनवस है, जो भी है, आप मान लो एक आपको पेंटिंग बनानी है, ठीक है, या फिर आपको कोई भी आर्टवर्क बनाना है, तो ये एक आपका सरफेस है, ठीक है। एक मैंने बेसिक सा स्क्वायर बना दिया, समझ जाओ कि ये आपका पिक्चर फ्रेम है। यहाँ पे हम रफली कुछ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक हल्की सी, चलो एक रफली एक सीनरी बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ इसको जनरलाइज्ड टर्म में समझना कि ये हर चीज़ के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं हल्की सी रफली एक सीनरी बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ एक लैंडस्केप के लिए ही ये डेमो दे रहा हूँ, ये हर चीज़ के लिए, पोर्ट्रेट हो या फिर फिगर हो या फिर कोई भी कलर हो, हर एक चीज़ के लिए ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको हर चीज़ के लिए क्लियर करेगा। तो इसको हर नज़र से देखना। तो ये आपने एक लेआउट बनाया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, एक आपका जो भी पिक्चर फ्रेम है, आप एक पेपर पे बना रहे हो, कैनवास पे बना रहे हो, डजेंट मैटर, आपने कोई चीज़ बनाई, तो सबसे पहले क्या आया, कॉम्पोजिशन। ओके, कि आप किस चीज़ को कहाँ पर बनाओगे, कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशनल लेवल पर पहले चीज़ें आप सही करते हो। फ्रेम की साइज क्या है, फ्रेम का शेप क्या है, ये चीज आपने देखी, ठीक है। वो स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, जो भी है फ्रेम का शेप, जो भी आप पेपर कैनवास जो भी ले रहे हो, कोई भी शेप हो, डजेंट मैटर, ठीक है। प्लेसमेंट ऑफ ऑल द प्लेसमेंट
लाइंस सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, पहले हमने फ्रेम छाटा, कोई भी हम किसी भी शेप में बना रहे हैं, उसके बाद हम ये जो प्लेसमेंट देख रहे हैं कि ऊपर आसमान का कितना जगह है, घास का कितना जगह है, ज़मीन का कितना एरिया होना चाहिए, ये सारी कॉम्पोजिशनल लेवल पे चीज़ें होती हैं कि हम कौन सी चीज़ को कहाँ रखेंगे। डिवीजन ऑफ पिक्चर प्लेन, ठीक है, डिवीजन हम करते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी बड़ी रखनी है, कितनी छोटी रखनी है, किसको कितना स्पेस देना है। तो जब भी कोई आर्टवर्क बनता है ना, तो सारा दिमाग पहले यहाँ लगाया जाता है। ओके, तो समझना कि आप किस किस जगह पे गलती कर रहे हो। हम दिमाग लगाते हैं डिटेलिंग कहाँ देंगे, हम दिमाग लगाते हैं कौन सा कलर करेंगे, नहीं, कॉम्पोजिशनल लेवल पे पहले चीज़ें क्लियर की जाती है, ड्राइंग के लेवल पे चीज़ों को ठीक किया जाता है कि लाइन सही है क्या, एंगल सही है क्या, प्रपोर्शन सही है क्या, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें होती हैं जब भी हम किसी आर्टवर्क को शुरुआत करते हैं, तो किसी भी शुरुआत होती है कॉम्पोजिशनल को ठीक करने से कि किस चीज़ को क्या बनाना है, कहाँ बनाना है, कितना बड़ा बनाना है, सही जगह पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ओके, कितना स्पेस देना है, कितना डिवीजन करना है, कहाँ पे कितना जगह छोड़ना है, लाइन सही है कि नहीं, एंगल सही है कि नहीं, पूरा बेस को, इसको बोलते हैं बेस को स्ट्रांग करना, जो मैं बोलते रहता हूँ आपको बेस को स्ट्रांग करो। तो ये बेस लेवल है, जब तक ये स्ट्रांग नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं बहुत सिंपल आपको एक सीन बना के दिखा दूँ, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, बहुत सारे फिगर बनाने हो, बहुत सारे पोर्ट्रेट्स एक ही फ्रेम में हो, तो अलग अलग सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से सोचना, लेकिन तरीका वही है। ओके, दिस मस्ट बी सुपर स्ट्रॉन्ग। दैट्स फाउंडेशनल, फाउंडेशन फॉर नेक्स्ट लेयर। आगे का लेयर जो हम करेंगे, ये हमारा फाउंडेशन हो गया, ठीक है। अब हम जाते हैं स्टेज टू में, सेकंड स्टेज में, और मैक्सिमम लोग गलती ये करते हैं कि वो या तो आगे का स्टेज पहले करने लग जाते हैं, या तो वो पहले स्टेज को इतना ज़्यादा गलत कर देते हैं कि आगे के स्टेज में चीज़ें सही करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो चीज़ों को समझो, पहले क्या आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया। सेम अगेन, मैं वापस से वही रफली वही सीन बनाता हूं जो मैंने ऊपर बनाया है। तो ये हमारा पहला स्टेज था जहाँ पे हमने सारी चीज़ें देखी कि शुरू कैसे करना है। अब इसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस लगती है, सबसे ज़्यादा दिमाग और सबसे ज़्यादा मेहनत आपको फाउंडेशन में करनी होती है, जो कि बहुत सिंपल लग रहा है देखने से, लेकिन मैक्सिमम लोग गलती यही करते हैं कि वो लोग डिटेल्स में, टेक्स्चर में, इन सब में ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसकी वजह से कभी भी वो अपने वर्क को इम्प्रूव नहीं कर पाते, और अपना टेक्स्चर और डिटेल्स को इम्प्रूव कर भी लें तो उनका फाउंडेशनल लेवल पे चीज़ें स्ट्रांग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी वो चीज़ें अच्छी नहीं दिखती हैं या स्ट्रांग नहीं दिखती हैं। ये चीज़ उनको पता भी नहीं चलती है, लेकिन जब वो किसी शो में जाते हैं, किसी एग्जीबिशन में जाते हैं, या कोई सीनियर क्रिटिक उनका वर्क देखता है, तो समझ में आता है कि क्या क्या गलती हो रही है। और वो अपनी गलती इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि उनकी आँखें ट्रेन नहीं हो पाती है अपने लाइन्स को, अपने एंगल्स को जज करने के लिए। तो इसीलिए जजमेंट, अपनी आँखों को ट्रेन करना, ये समझना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, एंगल सही है कि नहीं है, सारी चीज़ें सही है कि नहीं है, फंडामेंटल लेवल पे, कॉम्पोजिशनल लेवल पे, ड्राइंग के लेवल पे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं हल्की सी शेडिंग ऐड कर रहा हूँ। ये शेडिंग को समझो कि वैल्यूज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैल्यूज़। कॉमेंट सेक्शन में लिखते भी जाना ताकि आपको याद रहे। वैल्यूज़ बोलते हैं जब हम डार्कनेस और लाइटनेस पर फोकस करते हैं। यहाँ पे मैं डार्क एरियाज और लाइट एरियाज देख रहा हूँ। आसमान और पानी का एरिया मैंने हल्का सा शेड दिया है, बाकी ज़मीन थोड़ा ज़्यादा डार्क है, और कोई कोई एरिया में थोड़ी ज़्यादा परछाई है तो वो थोड़ा ज़्यादा डार्क है। तो इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं डार्कनेस और लाइटनेस में। और अगेन मैं बोलता हूँ आपको कि ये सिर्फ लैंडस्केप के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इसको एज एन एग्जांपल समझो। ये हर सब्जेक्ट मैटर में लागू होता है और हर एक स्टाइल पे लागू होता है। कोई अगर एब्स्ट्रैक्ट वर्क भी कर रहा है ना, तो ये सारी चीज़ों को सीखने के बाद वो एब्स्ट्रैक्ट में जाता है, पहले से नहीं जाता है। या कोई डिजिटल आर्ट भी करना चाहता है तो ये सारे फंडामेंटल उसको पहले सीखने पड़ते हैं, तब जाके वो किसी भी टूल का इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू के लेवल पे चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं कि कहाँ पे कितना डार्क करना है, कितना लाइट करना है। और जब तक ये क्लियर नहीं होगा, तब तक हम आगे का जो लेवल होगा, जो कलरिंग की हम बात करते हैं कि ऑयल कलर करें, ऑयल पेंटिंग करें, वाटर कलर करें, जो भी हम कलरिंग की बात करते हैं जहाँ पे पिगमेंट्स का इस्तेमाल हो जाता है, वो चीज़ नहीं कर सकते आप जब तक ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो कि आपको अपना पेंसिल, पेन, चारकोल, जो भी टूल आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसको कितना डार्क चलाना है या कितना लाइट चलाना है और किस एरिया में कितना चलाना है। और मैक्सिमम जो 95% लोग होते हैं ना, वो लोग इन्हीं दो स्टेज में गलती करते हैं, एक ऊपर का लेवल कॉम्पोजिशनल पार्ट, फंडामेंटल लेवल, और ये वाला पार्ट जहाँ पे वैल्यू लेवल पे स्टडी होती है, और ये दोनों लेवल पे 95% लोग रॉन्ग होते हैं। ओके, इसीलिए मैं आपको इतनी ज़्यादा बार ये वाले टॉपिक्स को मैं छेड़ता हूँ अपने लेसन्स में, ताकि आप लोग समझो कि जब तक ये वाला पार्ट नहीं होगा, आप कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी बारीकियाँ देख लो, वो हेल्प नहीं करेंगी एट द लेवल ऑफ वैल्यूज। ठीक है, इट लेज फाउंडेशन फॉर कलर्स।
ठीक है। कलर्स के लिए ये वाला जो स्टेज होता है वो फाउंडेशन सेट करता है, टेक्सचर डिटेल्स वॉल्यूम एटसेट्रा। ये वाला जो लेवल होता है ना, ये कलर जो भी हम कलर करें, कोई भी कलर करें, हमारा फाउंडेशन ये लेवल स्ट्रॉन्ग करता है, सेट करता है। अगर घर की दीवार नहीं बनी है और आप सोचो कि मैं डायरेक्ट छत बना दूं हवे में, तो वो ऑब्वियसली नहीं बनेगा, राइट। सो वो इम्पॉर्टेंट है समझना कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलते हैं। और ये जब तक क्लियर नहीं होगा, आप कितना भी सब्जेक्ट मैटर ले लो, किस भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को कैसे भी ट्राई कर लो, वो चीज़ क्लियर नहीं होगी। मैंने बहुत सारे साल अपने बर्बाद किए हैं कलर के ऊपर डायरेक्टली ट्राई कर करके, जहाँ पे मेरा बेस बिल्कुल स्ट्रांग नहीं था। और जब मैंने समझा इन सब चीज़ों को, तभी मैंने बेस पे काम करना शुरू किया और तभी मैं प्रोफेशनली भी इस फील्ड में आ पाया, क्योंकि वो सब चीज़ें मैं क्लियरली शेयर भी कर पा रहा था, अपने सारे फाउंडेशनल लेवल की चीज़ें, मेरे पुराने जितनी भी अकेडमीज़ की थी चीज़ें। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें इंडिया में, खासकर क्योंकि हम हिंदी में ये सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो खासकर इंडिया के जितने भी आर्ट लवर, इनको ये चीज़ें पता हो। यहाँ पे मैं कलर ले रहा हूँ, ऑयल पेंट ले रहा हूँ, लेकिन आप समझो कि कोई भी कलर हो, ठीक है, ऑयल पेंट या स्पेसिफिकली नहीं है, कोई भी कलर हो, ये चीज़ें तभी क्लियर होती हैं। मैं कितना भी आपको सिखा दूँ कि कलर मिक्सिंग क्या होता है, मैं कोई कितना भी आपको बता दे कि कौन से कलर कैसे करना चाहिए, कोई कितना भी समझा दे, आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आपको ऊपर में जो चीज़ें मैंने बताई फाउंडेशनल लेवल की चीज़ें, वो क्लियर नहीं है तो। और ये चीज़ें आप लोग पूछते हो कि हमें प्रोफेशनली इस फील्ड में जाना है, हमें प्रोफेशनली इस फील्ड में आगे बढ़ना है, लेकिन मैं इसलिए बोलता हूँ बार बार कि जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं है, प्रोफेशनल वर्ल्ड में बढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये हो गया बेस लेवल की चीज़, जो हमने ऊपर समझा, जो हमने कॉम्पोजिशन में समझा, जो हमने ड्राइंग में समझा, जो हमने वैल्यूज़ में समझा, वही नॉलेज हमारे कलर में ट्रांसफ़र होती है। समझो इस चीज़ को, वही नॉलेज हमारे कलर में ट्रांसफ़र होती है। हमने अगर बचपन में चलना सीखा है, तो वही नॉलेज को लेके हम दौड़ना भी सीखते हैं। हम डायरेक्टली दौड़ना नहीं सीखते हैं, बिना चलने, बिना खड़े हुए सीखे बिना, ओके। और ये मैंने कई साल से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, कई साल से प्रोफेशनल लाइफ में भी मैंने कई साल से एक्सपीरियंस किया। इवन जब मैंने ड्राइंग मास्टरी की ट्रेनिंग भी शुरू की है, तो उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट जब फंडामेंटल चीज़ों को सीख जाते हैं, स्ट्रॉन्ग लिए उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं, तो वो मुझे खुद अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि कैसे उन्होंने प्रोफेशनली अब सिखाना भी शुरू कर दिया। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इंडिया में हर एक आर्ट लवर इन बातों को समझे कि फंडामेंटल लेवल पे चीज़ों को समझना, बेस लेवल पे चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना, उसमें भले आपको कितना भी टाइम लगे, कितनी भी मेहनत लगे, वो वर्थ इट है। ओके, खड़े होना सीखना एक बच्चे को, तो ऐसा नहीं कि मुझे 10 ज़्यादा टाइम लग रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, तो वो खड़ा होना सीखना बंद कर दे, सोचे कि डायरेक्टली मैं एक प्रोफेशनल रनर बन जाऊं, ये नहीं होगा। ओके, मैं आपको बहुत दिल से ये सारी बातें बता रहा हूं कि समझो इस चीज़ को। बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन जब तक ये क्लियर नहीं होगा, आप लोग चीज़ें ट्राई करते रह जाओगे, आप लोग अलग अलग टेक्निक्स को सीखने में फोकस करते रह जाओगे, आप कलर मिक्सिंग को आपको अट्रैक्टिव लग रहा है उसको ट्राई करते रह जाओगे, आपको डायरेक्टली पोर्ट्रेट अट्रैक्टिव लगता है आप वो ट्राई करते रह जाओगे, लेकिन आप जब तक बेस के लेवल पे नहीं समझोगे, एंगल, कॉम्पोजिशन, प्रोपोर्शन, बेसिक चीज़ों को क्लियर नहीं करोगे, तब आप आगे के स्टेज के लिए अपना जो लेयर है उसको स्ट्रांग नहीं रख पाओगे। आपका एक लेयर फाउंडेशन सेट करता है अगले लेयर के लिए। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे रफली बस कुछ स्ट्रोक लगाया, मैंने यहाँ पे एकदम अच्छे से पेंटिंग भी नहीं की है, ये पेंटिंग को मैं एकदम बारीकी से नहीं कर रहा हूँ, बस मैं कुछ ब्रश मार्क लगा के आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ब्रश मार्क ही काफ़ी हैं आपको अपने सीन को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर आपका बेस लेवल पे चीज़ें क्लियर है तो, अगर आपको वैल्यूज़ की नॉलेज क्लियर है तो, अगर आपको अपनी पिक्चर डिविजन कॉम्पोजिशनल लेवल पे चीज़ें क्लियर हैं तो। ओके, रिमेंबर इस पॉइंट्स, जो भी मैं लिख रहा हूं उसको प्लीज आप भी नोट डाउन जरूर करना, आपको क्लियर होगा समझना। रिमेंबर, ये डिफरेंट हो सकता है पेपर, कैनवस, मीडियम डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। आप लोग बार बार पूछते हो कि टूल्स कौन सा लें, कलर कौन सा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ऑयल, वाटर कलर, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जब तक बेस लेवल पे चीजें स्ट्रांग नहीं है, तो ये सारी चीज़ें बस ऊपर लेवल पे आती हैं, सेकेंडरी लेवल पे, सेकेंड लेवल पे आती हैं ये, और ये चीज़ों को सीखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर आपका बेस लेवल पे चीज़ें स्ट्रांग है तो। फंडामेंटल मस्ट बी स्ट्रांग। ओके, आई होप
कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो, प्लीज़ नोट डाउन करना एंड प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से अपने डायरी में या फिर अपने आर्टवर्क के बुक में, स्केचबुक में इस चीज़ को नोट करना। इस बेसिस पे ही अगर आप काम करोगे तो आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, पावर ऑफ नोइंग वर्सेस नॉट नोइंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो हर समय ना हमें लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। मुझे पक्का पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार हमसे ये नहीं हो रहा है, हमसे ये चीज़ नहीं हो रही है। मुझे एक चीज़ बताना कमेंट सेक्शन में कि इस लेसन को जो आज मैंने शेयर किया उसको देखने से पहले जो आप सोचते थे और अभी इस लेसन को देखने के बाद कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए हैं, हाँ या ना, मैं मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना। यहाँ पे नोइंग और नॉट नोइंग की पावर यहाँ पे मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। हमें लगता है कि हमसे नहीं होगा, हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, हमें इसलिए लगता है क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या क्या चीज जानने की जरूरत है। पहले हम नहीं जानते हैं, लेकिन जैसे ही हम जान जाते हैं हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहुंच जाते हैं और उस पॉइंट बी में हमें लगता है कि नहीं, मैं तो सोचता था कि नहीं हो पाएगा, अब मुझे बहुत क्लियरिटी आ गई है। मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अपनी पर्सनल लाइफ की चीजें शेयर करते हो कमेंट सेक्शन में, अपनी फीलिंग्स बताते हो, तो सबसे प्यारी चीज मुझे सबसे वही लगती है कि इमोशंस को पढ़ना, कि आप बताना कि आपको क्या ऐसा हुआ नहीं है कभी कि आपको लगा हो कि यार ये मेरे से नहीं हो रहा है, ये मेरे से नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आपको बाद में लगा हो कि यार बहुत ईजी था ये तो, मैं तो कर लिया, उतना तो मुश्किल नहीं था, ऐसा भी लगा होगा। कुछ ना कुछ ऐसा काम आपकी लाइफ में जरूर हुआ होगा। वो इसलिए होता है क्योंकि हमें पहले पता नहीं होता कि कैसे करना है, क्या तरीका हो सकता है, कैसे सीखना है, क्या समझना है, क्या नहीं पता है, हमें वही नहीं पता होता कि हमें क्या नहीं पता है। लेकिन जैसे हम इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, सही नॉलेज ले लेते हैं, गाइडेंस मिल जाती है, हमसे वो चीज़ें हो जाती हैं। तो हर कोई कैपेबल है, हर कोई आप में से, हर कोई वो क्षमता रखता है आगे बढ़ने की और चीज़ों को समझ जाने की। बस यही है कि जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, डीपली उसको क्लियर नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही वो क्लियर हो जाता है हम कर ले जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत समझनी जरूरी है कि आप कर हर कुछ सकते हो, लेकिन जरूरी है आपको सीखते रहना, गाइडेंस लेते रहना और अपने आप को ये बोलते रहना कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, बस मुझे और थोड़ा एफर्ट डाल के और थोड़ा सा फोकस डाल के और सही तरीके से चीज़ों को सीखना है। ये इंपॉर्टेंट है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस लेसन से आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए हैं कि नहीं हुए, मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ जरूर बताना। मेक श्योर कि आप इंटरनेशनल आर्ट आइकन का फेसबुक ग्रुप में भी कनेक्टेड रहें। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर प्लानिंग चल रही है जो कि आप आने वाले समय में देखोगे। पॉडकास्ट आएंगे इंटरनेशनल आर्ट आइकन के, जो जजमेंट पैनल होंगे उनके पॉडकास्ट आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी। मिलते हैं अगले लेसन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप क्रिएटिंग, कीप फॉलोइंग योर पैशन। टेक केयर एंड लव यू ऑल। सो हियर्स अ क्विक अनाउंसमेंट, 28 फरवरी को जूम पे मैं लाइव आ रहा हूं एंड उस लाइव सेशन में मैं बात करने वाला हूं कि फंडामेंटल और बेस जिसकी मैं इतनी बात करता हूं वो कैसे किसी भी आर्ट लवर को प्रोफेशनली आर्ट फील्ड में घुसने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है और किस तरीके से। मैं आपको अलग अलग एग्जांपल भी दूंगा कि कैसे एक फंडामेंटल लेवल पे काम करने के बाद कोई पर्सन आर्ट की फील्ड में अलग अलग तरीके से प्रोफेशनल वाइज घुस सकता है। सो इन सब के ऊपर डीपली इन सब टॉपिक्स को टच करेंगे इस लाइव सेशन में। तो जूम पे होगा ये लाइव, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, सो मेक श्योर आप रजिस्टर कर लें अभी। सीट्स बहुत लिमिटेड है, सो मेक श्योर कि आप जब ये लेसन को देख रहे हैं तो तुरंत रजिस्टर कर लें सो दैट आप मिस ना करें। एंड जितने भी लोग आप मुझसे क्लासेस के बारे में, ट्रेनिंग्स के बारे में पूछते हो, आप सभी के लिए भी कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट मैं करूंगा उस लाइव सेशन के अंदर एंड बहुत मजा आएगा। बहुत ज्यादा डीप लेवल पे क्लैरिटी भी मिलेगी आपको और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत सारी कंफ्यूजन जो आपको होती है आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी सो दैट आप सही तरीके से इस वे में, इस डायरेक्शन में ग्रो कर सको। सो मिलते हैं जूम पे लाइव 28 फरवरी को। टाइम कितना है, टाइम कितने बजे होगा, जब आप रजिस्टर करोगे तो वहां टाइम शो कर देगा। सो मेक श्योर कि आप रजिस्टर करें एंड मिलते हैं लाइव जूम पे 28 फरवरी को।